गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास केमिस्ट्री. वी वर डिस्कसिंग लेसन नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिस्कस किया था लास्ट टाइम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मीन्स क्या है कि कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, वो किस बेस पर डिपेंड करता है. ठीक है, और एक मेटल जैसे मान लो आपका यहाँ पर जिंक है, कॉपर है, जैसे आपका जिंक नहीं, कॉपर का एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको. कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में जब हम कॉपर ऐड करते हैं तो क्या होता है, कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया और उसकी जगह खुद एक सॉल्ट बना लिया. अब इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करना चाहें तो ये रिएक्शन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, देखिए, कॉपर सिल्वर के को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को रिप्लेस करने की कैपेसिटी नहीं रखता. क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है. कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर. सो ये जो रिएक्टिविटी है किस बेस पर होती है, क्यों कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव होता है. आपके पास मेटल्स होते क्या हैं, बेसिकली मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मेटल्स की सबसे मेन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं वो, और पॉजिटिव चार्ज गेन करने की रखते हैं टेंडेंसी. अब ह्यूमन बीइंग्स में, अगर स्टूडेंट्स में सबसे आइडियल स्टूडेंट किसको माना जाता है, हम बोलते हैं जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है, इंटेलिजेंट है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, आइडियल स्टूडेंट है. ठीक है, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही उसे माना जाता है जो अच्छे से पढ़ता है और रिस्पेक्ट करता है. लेकिन आजकल तो जो जिसने एडमिशन लिया है स्कूल में, दैट इज़ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है. ठीक है, जो पढ़ा है वो स्टूडेंट है. लेकिन मेन प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट की, कि वो अच्छे से पढ़े. ठीक है, अपने टीचर का कहना माने. ठीक है, इसी तरह से मेटल्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करें. ठीक है, आपका सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर. अब जितना ज़्यादा जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, जितना उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. और कोई भी मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो उतना ही क्या होता है, रिएक्टिव. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो उतना क्या होता है, रिएक्टिव. सो मोर इज़ अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, मोर इज़ द रिएक्टिविटी. ठीक है, इस चीज़ पर रिएक्टिविटी बेस करती है मेटल्स की, कि वो कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं. ठीक है, अब इनकी जो रिएक्टिविटी, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, या ये मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी. उसके लिए एक सीरीज़ आती है. क्या आती है, सीरीज़, जिसमें क्या करते हैं हम उसको रिएक्टिविटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं जब हम एलिमेंट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज. क्या बोलते हैं हम उसको, रिएक्टिविटी सीरीज. ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो स्टैंडर्ड चीज़ ली है वो हमने हाइड्रोजन ली है.
हाइड्रोजन से रिएक्ट करने वाले, हाइड्रोजन से कम रिएक्ट करने वाले, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्ट करने वाले, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने सेंटर पॉइंट लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन से जो अबव हैं दे आर मोर रिएक्टिव, नीचे हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। दो अबव हैं हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी ऑर्डर में, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। बिलो द हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को हटा करके खुद कंपाउंड नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हाइड्रोजन को सेंटर मानती है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी आपकी, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी का, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। सेंटर का है ये रहा हाइड्रोजन आपका, ठीक है। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली मेटल्स हैं कौन कौन सी, आपकी पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम, सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन लेड हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, इस तरह से रिएक्टिविटी कम होगी, क्या आएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज, नीचे की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन और लेड है, वो क्या है, इसमें क्या है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, रिएक्टिविटी इनकी हाइड्रोजन से कम है, इनकी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी कि ये मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। लेकिन तो यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन से अबव मेटल्स हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन और लेड हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, चाहे वाटर से रिएक्ट करें चाहे एसिड से रिएक्ट करें, हाइड्रोजन को हटा करके अपनी जगह बना लेंगे। और ये जो बाकी मेटल्स हैं कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम है, ये हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते, ठीक है। ले और ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, ये नीचे वाले, मतलब जिंक आयरन को हटा सकता है लेकिन आयरन जिंक को नहीं हटा सकता, ठीक है। जैसे आपका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, देखिए कॉपर नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी में, तो जिंक इजीली इसको हटा देगा, जिंक सल्फेट आ गया और कॉपर रिलीज हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये रिएक्शन रिवर्स करना चाहें, जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर ऐड करना चाहें, ठीक है, जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर ऐड करना चाहें, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर नो रिएक्शन आ जाएगी। इस तरह से आप रिएक्टिविटी मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बहुत जगह काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको इस तरह से दे दी जाएंगी, आपको बताना होगा ये होगी कि नहीं होगी फर्दर। तो आपको अगर ये पता होगा सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन और लेड हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, और कॉपर मर्करी और ये जो आपके ऑर्नामेंटल है ना, बेसिकली ऑर्नामेंटल, ठीक है, वायर में यूज़ होते हैं, मर्करी जो आपका उसमें यूज़ होता है, कहाँ पे, आपके थर्मोमीटर में यूज़ होता है, वो बेसिकली ये सब क्या है आपके, लेस रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अबव वन। इनमें से देखो कोई भी मेटल ऐसी नहीं है जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में, एल्यूमिनियम तो आती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ में जो ऑर्नामेंटल पर्पज़ है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बेसिकली जो कॉस्टली होते हैं वो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। और जो आपका मर्करी वो पॉइजनस है, ठीक है, और ये कॉपर आपका कॉपर वायर्स में यूज़ होता है, ये कम कॉस्टली होता है आपका, तो एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो
इस तरह से आप इनको लर्न कर लेंगे ना, तो ये भी अपने आप आसानी से लर्न हो जाएंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आती है वो क्या हो गई, ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, और जो नीचे आती है वो कम रिएक्टिव हो गई। इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, मेटल की रिएक्टिविटी बता सकते हैं कि कौन सी मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगी, कौन सी नहीं करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।